हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मंत्रा। आज का हमारा टॉपिक है आईआईटी करंट अफेयर्स। जनवरी से लेकर दिसंबर तक के जितने भी आईआईटी रिलेटेड इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, मैंने सब इस वीडियो में कवर किए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। विच आईआईटी कोलैबोरेटेड विद इंडियन नेवी टू प्रमोट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट प्रमोट करने के लिए इंडियन नेवी ने कौन से आईआईटी के साथ कोलैबोरेशन किया है, ये पूछा है। तो ये किया है आईआईटी कानपुर के साथ, और इनका कोलैबोरेशन का एम ये है कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होगा, इनोवेशन इनोवेटिव सॉल्यूशंस होंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जॉइंटली वो पार्टनरशिप करके रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे। विच आईआईटी डिस्कवर्स रेयर मेटल टेंटलम इन सतलज रिवर पंजाब। कौन सी आईआईटी ने एक रेयर मेटल डिस्कवर किया है जिसका नाम है टेंटलम, और ये सतलज रिवर पंजाब में डिस्कवर किया गया है। तो ये किया गया है आईआईटी रोपर द्वारा। आईआईटी रोपर की एक टीम थी जिसने ये रिसर्च किया, जिसे लीड किया गया था रश्मि सेबेस्टियन ने। असिस्टेंट प्रोफेसर है वो इंस्टीट्यूट के सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की। वहाँ पे उन्होंने सतलज रिवर में टेंटलम ये मेटल को फाइंड किया है। टेंटलम का एटॉमिक नंबर याद रखना 73 है, और ये एक बहुत रेयर मेटल है। डक्टाइल है इन इट्स प्योर फॉर्म, मतलब थिन वायर में कन्वर्ट हो सकता है विदाउट ब्रेकिंग, और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, एक्सट्रीमली हाई है। सिर्फ टंगस्टन और रेनियम, यही दो मेटल है जो टेंटलम को सरपास कर सकते हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट में। विच आईआईटी अनवील्स इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म फॉर इंक्यूबेटर्स। तो ये किया गया है आईआईटी मद्रास द्वारा। आईआईटी मद्रास का जो क्रेस्ट है उसने कोलैबोरेशन किया है स्टार्टअप YNOS के साथ, और जो इंडिया में 1000 एक्टिव इंक्यूबेटर्स है उनको ये प्लेटफॉर्म हेल्प करेगा। क्रिस्ट की फुल फॉर्म है सेंटर फॉर रिसर्च ऑन स्टार्टअप एंड रिस्क फाइनेंसिंग। ये एक रिसर्च सेंटर है आईआईटी मद्रास में जो कि कोलैबोरेट कर रहा है। इंक्यूबेटर्स और एक्सेलरेटर्स का रोल क्या है, उनका सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस क्या है, उसका वो देखते हैं। वो है कि उनका क्रूशियल रोल होता है अगर कोई भी स्टार्टअप है तो उसे हेल्प करने में, क्योंकि एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम में कोई भी अगर अनसर्टेनिटीज आती है तो वो गाइड करते हैं, वो नेविगेट करते हैं इंक्यूबेटर्स। इसलिए बहुत हेल्पफुल होता है स्टार्टअप्स के लिए। और ये एक इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म होगा जो कि स्टार्टअप इकोसिस्टम को बेटर कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकता है स्टार्टअप, और सपोर्ट कर सकता है उनके ऑर्गेनाइजेशंस को। रिसेंटली लेफ्टिनेंट जनरल कमलजीत सिंह ढिल्लो हैज बीन अपॉइंटेड एज दी चेयरपर्सन बोर्ड ऑफ गवर्नर ऑफ विच आईआईटी। चेयरपर्सन बोर्ड ऑफ गवर्नर बने हैं कमलजीत सिंह ढिल्लो। ये कौन सी आईआईटी के बने हैं, तो ये बने आईआईटी मंडी के। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 आई है, तो इसमें कौन सी इंडियन यूनिवर्सिटी टॉप पे रही है, तो वो रही है आईआईटी बॉम्बे जिसकी रैंकिंग है 40, और आईआईटी दिल्ली जिसकी रैंकिंग है 46। अगर टॉप 50 पूछेंगे तो उसमें सिर्फ दो ही यूनिवर्सिटी हैं इंडिया से जिसने टॉप किया है, और हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज इंडिया ने टॉप किया है। हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज आई हैं, रैंकिंग मिली है उन्हें क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। तो टोटल कितनी यूनिवर्सिटीज आई हैं, वो है 148, और ये पिछले साल से 37 यूनिवर्सिटीज ज़्यादा इंक्लूड की गई हैं। पेकिंग यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना इसने टॉप किया है, और ये सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर है जिसमें इस यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकॉन्ग ने सेकेंड पोजिशन ली है, और यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर ने थर्ड पोजीशन ली है। विच आईआईटी हैज पार्टनर्ड विद इंडियन रेलवेज फॉर डेवलपिंग टैम्पर प्रूफ सिग्नलिंग सिस्टम बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड टैम्पर प्रूफ सिग्नलिंग सिस्टम, यानी ये ऐसा सिग्नलिंग सिस्टम होगा जिसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते, मतलब कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता इस सिग्नलिंग सिस्टम के साथ। तो ये इंडियन रेलवे ने कौन से आईआईटी के साथ मिलके किया है, वो आईआईटी खड़गपुर के साथ मिलके किया है। अब रिसेंटली कुछ और देखते हैं कौन कौन से न्यूज में थे। आईआईटी गुवाहाटी ने एनएलआर सेंटर ऑफ एक्सेलेंस लेके आए हैं, एस्टेब्लिश किया है सस्टेनेबल मटेरियल्स ट्रांसलेशनल फैसिलिटी ऑन बायोप्लास्टिक के ऊपर, ये एनएलआर सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बना रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कोलैबोरेट किया है आईआईटी कानपुर के साथ
उन्होंने एक प्लेटफॉर्म लेके आए हैं साथी, जिसका नाम है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स। कौन सा लेके आए हैं? साथी, आईआईटी कानपुर। इंडियन गवर्नमेंट कोलैबोरेटेड विद विच इंस्टीट्यूट टू लॉन्च द डार्क पैटर्न्स बस्टर हैकेथॉन 2023? तो ये किसने कोलैबोरेशन किया है इंडियन गवर्नमेंट के साथ? ये किया है आईआईटी बीएचयू ने। अब ये इंडियन गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के साथ कोलैबोरेशन किया है। इसका एम ये है कि जो भी हैकर्स हैं, इनके जो भी पावर्स हैं, जो भी वो ऑनलाइन फ्रॉड्स कर रहे हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, जो भी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, उन्हें टैकल करना, इसीलिए ये कोलैबोरेशन किया गया है। अब डार्क पैटर्न्स क्या होता है? डार्क पैटर्न्स ऐसा डिज़ाइन होता है जो कि यूज़र के इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस सेम की सेम आपको यूजर इंटरफेस जैसा मिलेगा, जिससे जो भी कस्टमर्स होते हैं वो मिसलीड हो जाते हैं और ट्रिक हो जाते हैं उनके द्वारा। आईआईटी बॉम्बे एंड विच बैंक पार्टनर टू सपोर्ट इनोवेशन लेड ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव? तो ये किस बैंक के साथ मिलके किया है? एचएसबीसी के साथ मिलके किया है। ये ग्रीन लेड जो हाइड्रोजन इनिशिएटिव है उसे सपोर्ट करेंगे। विच आईटी कंपनी हैज पार्टनर्ड विद आईआईटी दिल्ली यार्डी स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू लॉन्च अ सेंटर ऑफ एक्सलेंस ऑन जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? कौन सी आईटी कंपनी ने आईआईटी दिल्ली के यार्डी स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मिलकर सेंटर ऑफ एक्सलेंस लगा रहा है? किस चीज़ पे? जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। तो वो कौन सी कंपनी है? वो है विप्रो। विप्रो और आईआईटी दिल्ली मिलके लगा रहे हैं। और आईआईटी दिल्ली से रिलेटेड कुछ न्यूज़ है कि जो उनका इंटरनेशनल कैंपस है उन्होंने अबू धाबी यूएई में स्टार्ट किया है। और यूनियन मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर ने थर्ड सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो, ये रोड शो कहाँ पे लॉन्च किया? आईआईटी दिल्ली में लॉन्च किया। इंडियाज फर्स्ट 100% डाइईथाइल ईथर फ्यूल ट्रैक्टर व्हीकल हैज बीन डेवलप्ड बाय विच आईआईटी? इंडिया का पहला डाइमिथाइल ईथर ये फ्यूल ट्रैक्टर या फिर व्हीकल लॉन्च किया है, डेवलप किया है, ये कौन सी आईआईटी ने डेवलप किया है? ये किया है आईआईटी कानपुर में। किसने किया है? आईआईटी कानपुर में। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क आया है 2023 का, तो इसमें आईआईटी मद्रास जो है उसने टॉप पोजीशन ली है और ये फिफ्थ टाइम लिया है, 5 कॉन्सिक्यूटिव ईयर लिया है, ठीक है। और आईएससी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने बेस्ट यूनिवर्सिटी की रैंकिंग ली है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन देती है, ये फ्रेमवर्क कौन देता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन देती है। अब देखते हैं दूसरी फील्ड में कौन कौन से यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूट टॉप पे रहे हैं। ओवरऑल देखे जाएंगे तो जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट यानी जेएनयू टॉप पे रहा है, सेकेंड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और थर्ड जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। इंजीनियरिंग में आईआईटी मद्रास टॉप पे है। कॉलेजेस में मिरांडा हाउस जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का है वो टॉप पे है। रिसर्च में आईआईएससी बैंगलोर टॉप पे है। इनोवेशन में आईआईटी कानपुर, मैनेजमेंट में आईआईएम अहमदाबाद, फार्मेसी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हैदराबाद, ये टॉप पे है। और लॉ कॉलेज में देखेंगे तो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, ये टॉप पे है। आप टॉप के सारे यूनिवर्सिटीज याद रखना, कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 आया है, इसमें एमआईटी ने टॉप किया है। ये 12th consecutive ईयर में टॉप किया है एमआईटी ने। तो इंडिया से कौन से इंस्टीट्यूट ने किया है? वो किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, इसने टॉप किया है। इसका रैंकिंग था 149, 23 पोजिशन बढ़ गई है इनकी और ये कहाँ पहुँच गए हैं? 149 पे। और ये टॉप 150 यूनिवर्सिटी वर्ल्ड वाइड है उसमें शामिल हुआ है। फर्स्ट पे कौन रहा? ये 24 का है और ये लास्ट ईयर का है। तो 24 में फर्स्ट पे रहा एमआईटी, सेकंड पे यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, थर्ड पे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। आप ये याद रखना, फर्स्ट पे एमआईटी रहा है जो यूएस की है। विच आईआईटी एंड मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज झांसी हैव अग्रीड टू वर्क टुगेदर टू ट्रांसफॉर्म आर्मी स्टेशंस इनटू कार्बन न्यूट्रल कैंपस? मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज जो झांसी में है उसने किस आईआईटी के साथ मिल के जो आर्मी स्टेशन होते हैं उन्हें कार्बन न्यूट्रल कैंपस बनाना चाहता है? तो ये किसके साथ किया है? आईआईटी कानपुर के साथ किया है।
आईआईटी कानपुर और न्यूज में था, किस वजह से था देखते हैं। उन्होंने एक सक्सेसफुल टेस्ट कंडक्ट किया था जिसमें आर्टिफिशियल रेन होगी वाया क्लाउड सीडिंग के थ्रू आर्टिफिशियल रेन करवाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने आईआईटी कानपुर के साथ कोलैबोरेशन किया है, ये तो अभी बता दिया था मैंने साथी के लिए। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट कोलैबोरेटेड विद विच आईआईटी फॉर एन ऑनलाइन रूरल एजुकेशन प्रोग्राम पहल। ये यूपी गवर्नमेंट ने पहल प्रोग्राम शुरू किया है, ये ऑनलाइन रूरल एजुकेशन प्रोग्राम है। तो किस आईआईटी के साथ मिलके किया है, ये किया है आईआईटी कानपुर के साथ मिलके। इसका ये एम है कि क्वालिटी एजुकेशन देना है रूरल एरियाज में टेक्नोलॉजी के थ्रू। यूआईडीएआई ने पार्टनरशिप किया है कौन सी आईआईटी के साथ मिलके, क्योंकि वो डेवलप कर रहे हैं टचलेस बायोमेट्रिक कैप्चर सिस्टम। तो किसके साथ मिलके किया है, ये किया है आईआईटी बॉम्बे के साथ मिलके। लार्जेस्ट डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सेलेंस हैव बीन इनॉग्रेटेड इन विच आईआईटी। डीआरडीओ की लार्जेस्ट इंडस्ट्री एकेडमी ऑफ एक्सेलेंस कहाँ पे इनॉग्रेट हुई है, ये हुई है आईआईटी हैदराबाद में। शून्य टीम फ्रॉम विच आईआईटी हैज वॉन दी सेकेंड पोजिशन इन दी सोलार डेकेथलॉन बिल्ड चैलेंज हेल्ड इन यूएस। तो सेकेंड पोजिशन किसने जीता है, ये शून्य टीम ने जीता है। ये कौन से आईआईटी से थी, ये थी आईआईटी बॉम्बे से। अब इन्होंने क्या डिजाइन किया था, जीरो एनर्जी हाउस डिजाइन किया था, जो कि एयर पोल्यूशन इश्यूज होते हैं मुंबई के हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में, उसके लिए उन्होंने ये कैसे टैकल करना है वो बताया था, एक हाउस बनाया था। विच इंस्टीट्यूट लॉन्च अ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस कॉल्ड आत्मन टू मॉनिटर एयर क्वालिटी। आत्मन की फुल फॉर्म क्या है, ये याद रखो, एडवांस टेक्नोलॉजीज फॉर मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी इंडिकेटर। एयर क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी लॉन्च की गई है। तो ये कौन सी आईआईटी ने किया है, ये पूछा है। तो ये किया गया है आईआईटी कानपुर द्वारा। ये जो इंडियन गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है आत्मनिर्भर भारत, उसके तहत किया गया है। अब ये जो आत्मन इनिशिएटिव लॉन्च किया है, इसमें ये क्या चेक करेंगे, इसका एम ये होगा कि जो भी रिस्क, हेल्थ रिस्क है एयर क्वालिटी से, एयर पोल्यूशन से रिलेटेड, उसे इवैल्यूएट करना है और एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को बढ़ाना है, इसलिए आत्मन को लॉन्च किया गया है। आईआईटी कानपुर ने एक और चीज लॉन्च की है, वो भी नोट करके रखना, कि जो भी दिल्ली और दिल्ली के आसपास के रीजन है उसमें जो भी टॉक्सिक एयर्स हैं उसे वॉश डाउन करना है और सिटी को पॉल्यूटेंट फ्री बनाना है। जो भी पॉल्यूशन है, जो भी डस्ट है, उसे पॉल्यूशन फ्री बनाना है सिटी को। तो वो आर्टिफिशियल रेन करेंगे उसके लिए, तब जाके सिटी जो होगी वो पॉल्यूशन फ्री हो जाएगी। आईआईटी मद्रास न्यूज में रहा है तो उससे रिलेटेड न्यूज देखते हैं। डिजिटल इंडिया रिस्क 5 सिंपोजियम 2023 ऑर्गेनाइज किसने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर किया है। रिस्क की फुल फॉर्म है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर और 5 का मतलब है फिफ्थ जनरेशन। ये इवेंट में शोकेस किया है कि फ्यूचर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इन इंडिया थ्रू रिस्क 5 पाथवे। यूनिवर्सिटी ऑफ जाफना जो श्रीलंका में है, उसने एमओयू साइन किया है आईआईटी मद्रास के साथ मिलके, वो एकेडमिक कोलैबोरेशन कर रहे हैं। प्रीति आलियाम ये डायरेक्टर इंचार्ज बनी है आईआईटी मद्रास के जंजीबार कैंपस की, और ये फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर बनी है कोई भी आईआईटी की। आईआईटी का जो जंजीबार कैंपस है मद्रास का, वो फर्स्ट आईआईटी कैंपस बना है जो आउटसाइड इंडिया होगा। जंजीबार कहाँ है, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। आईआईटी मद्रास ने आरबीआई इनोवेशन हब, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ मिलकर पार्टनरशिप की है, किस लिए, क्रिएटिंग वॉइस ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशन। अब ये वॉइस ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशन होगा, इसमें अलग अलग तरीके से, मतलब अलग अलग लैंग्वेज में वॉइस कमांड्स होंगी, जैसे हिंदी, तमिल, तेलुगु और इंग्लिश। आईआईटी मद्रास ने अनाउंस किया है ऑपरेशन ऑफ डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमी रामानुजन सेंटर ऑफ एक्सेलेंस शुरू करने वाले हैं आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने मशीन लर्निंग बेस्ड टूल डेवलप किया है जिसका नाम है जीबीएम ड्राइवर, जो कैंसर कॉजिंग ट्यूमर्स होते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, उसको आइडेंटिफाई करेगा। डीआरडीओ और आईआईटी मद्रास ने जॉइंटली डेवलप किया है न्यू सेंसर टेक्नोलॉजी फॉर अंडर वाटर कम्युनिकेशन के लिए, एक सेंसर टेक्नोलॉजी डेवलप की है। आईआईटी मद्रास ने रिसेंटली लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है इसराइल के साथ, और वो एस्टेब्लिश करेंगे इंडिया इसराइल सेंटर ऑफ वाटर टेक्नोलॉजी।
ये कोलैबोरेशन का एम क्या होगा? फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ एडवांस वाटर टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन थ्रू जॉइंट रिसर्च एंड इनोवेशन एफर्ट, यानी वाटर टेक्नोलॉजी के इसमें एडवांसमेंट करना। और एक एलोकेशन हुआ है 242 करोड़ का, जो कि गवर्नमेंट ने दिया है लेबोरेटरी ग्रोन डायमंड्स इन इंडिया, मतलब जो डायमंड है वो लैब में बनाए जाएंगे। ये अनाउंसमेंट किसने किया है? इंडिया सेंटर फॉर लैब ग्रोन डायमंड, ये एक IIT मद्रास का पार्ट है। एयरबस टाइप विद विच इंस्टीट्यूट टू प्रमोट एरोस्पेस एजुकेशन एंड इनोवेशन इन इंडिया? एयरबस ने कौन सी इंस्टीट्यूट के साथ टाइप किया है जिससे इंडिया में जो एरोस्पेस एजुकेशन है और इनोवेशन है उसे प्रमोट कर सके? तो वो किया है IIT कानपुर के साथ। तो आज का सेशन यहीं एंड होता है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।